कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में हर साल 26 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। ये वही यादगार, निर्णायक और गौरव से भरा दिन है जिस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल में लगभग 60 दिनों तक चलने वाले युद्ध में भारत को विजय मिली। कारगिल विजय दिवस उन भारतीय वीर योद्धाओं के सम्मान में मनाया जाने वाला दिन है जिन्होंने दुश्मनों के नापाक कदम को अपनी जान गंवाकर सरहद के इस पार पड़ने नहीं दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद कारगिल की जंग को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला दूसरा बड़ा युद्ध माना गया। कश्मीर के अलावा दोनों देशों के द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपने सैनिक और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजना शुरू कर दिया और उसने इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद रखा था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान ये भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिल सकेगी। शुरुआत में इन पाकिस्तानी सैनिकों को सामान्य घुसपैठ मान लिया गया था मगर इनकी संदिग्ध हरकतों से भारतीय सेना को एहसास हो गया था कि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहा है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2,00,000 सैनिकों को भेजा। ये युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। इस युद्ध के दौरान 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हो गए थे। हम अपने उन शहीद जवानों को नमन करते हैं। बाकी खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें lalluram.com। शुक्रिया।